अयोध्या में बीते बुधवार को भव्य तरीके से दीपोत्सव का त्यौहार मनाया गया, जिसमें रामायण पर कथित 15 रथ बनाए गए थे। इन 15 रथों में रामायण पर सारी झांकियां रहीं। राम जन्म से लेकर राम विवाह, ताड़का वध, तरह तरह की झांकियों का प्रदर्शन किया गया और इन रथों पर कलाकारों द्वारा अलग अलग तरीके से अपनी कला का इन लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं इस दीपोत्सव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। एक नए संकल्प के साथ, एक नए उत्साह के साथ आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके कारण आज कोरिया के राजदूत, वहां के मेयर और 50 सदस्य एक भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल अयोध्या में आकर के दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं कोरिया की प्रथम महिला और इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आए सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अतिथि देवो भव, अतिथि के प्रति देव तुल्य भाव भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है और भारतीय संस्कृति के इस भाव को व्यक्त करने के लिए ही मैं आभार व्यक्त करता हूं कोरिया गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति जी का। वहीं सबसे बड़ी बात तो है कि इस दीपोत्सव के दौरान कोरिया की प्रथम महिला के आने से दिवाली और खास हो गई। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।